नमस्कार न्यूज के बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है मैं हूं हुजैफा गौर बिग बॉस जब से से आया है तब से विवादों में है इस बार का जो बिग बॉस पंद्रह है उसमें ऐसे विवाद हो रहे हैं ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले बिग बॉस में आने जो पिछले बिग बॉस गुजरे हैं उसमें नहीं हुई है बिग बॉस पंद्रह के वीकेंड शनिवार को मायशा अयर घर से बेघर हो गई में से उन्हें सबसे कम वोट मिले थे साथ ही सलमान खान ने इस और भी इशारा किया था कि इस हफ्ते एक और अंदर एकता हसनदानी और सुरभि चंदा पहुंची थी उन्होंने कंटेस्टेंट से कई छोटे छोटे टास्क कराए शो में अभी तक मायशा और ईशान सैगल के बीच लव एंगल देखने को मिला था मायशा के शो से बाहर होने पर सलमान ईशान से पूछते हैं कि उन्हें अब कैसा लग रहा है आखिर में वो वक्त भी आता है जब सलमान खान एलिमिनेशन के बारे में बताते हैं कम वोट मिलने की वजह से ईशान सैगल को घर के बाहर होना पड़ता है ईशान ने कहा कि अब वे अपने प्यार मायशा के पास जा सकते हैं एलिमिनेशन के ऐलान के साथ सलमान ईशान से कहते हैं कि उन्होंने पहले ही चे, उन्हें चेतावनी दी थी कि मायशा के साथ सारा वक्त बिताने की बजाय वह ईमानदारी से अपना खेल खेलें लेकिन उन्होंने नहीं सुनी सलमान कहते हैं कि रोमांस के बल पर तो नहीं चलता है ना ये शो वो आगे कहते हैं इतना टाइम से बोल रहे थे आपको आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे बता दें कि बिग बॉस पंद्रह के शुरुआती हफ्ते में ही मायशा और ईशान का लव एंगल देखने को देखने लगा था इस वजह से उनकी आलोचना भी हुई और कहा जाने लगा कि दोनों गेम के लिए ऐसा कर रहे हैं बहरहाल डबल एक्शन में अब दोनों ही कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं इस हफ्ते को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नेहा भसीन और राकेश बापाट की एंट्री हुई है सलमान खान ऑन स्क्रीन तो दबंग कहलाते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन भी वो दबंग हैं ऐसा ही उनके साथ कुछ ऐसा वाक़ हुआ तो आपको बता दें बोल लेक वाक्य हुआ जहाँ फैंस कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो सेल्फी के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया इसमें सलमान सेल्फी के लिए परेशान फैंस से इरीटेट हो जाते हैं वीडियो में सलमान खान पोस्ट दे रहे हो पोस्ट दे रहे हो, होते हैं तभी एक फैन आता है और सलमान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है इस पर सलमान कहते हैं कि सामने फोटो क्लिक हो रहा है लेकिन उस अतरंगी फैन को कुछ समझ ही नहीं आता और वो अपने ही धुन में मस्त रहता है सलमान के आगे बार बार अपना मोबाइल घुमाता है इस पर वह कहते हैं नाचना बंद कर इसके इसके बाद एक दूसरा शख्स उस फैन को भाईचान से दूर कर देता है ये मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है बता दें सलमान खान इन दिनों अंतिम द फाइनल ट्रोथ को लेकर काफ़ी चर्चा में है अंतिम में सलमान खान एक सरदार के किरदार में नज़र आ रहे हैं जो पुलिस में है सलमान का किरदार काफ़ी कूल और चालाक नज़र आ रहा है वहीं आयुष शर्मा फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आए आएंगे फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान सर्टल होकर एक्शन भी करते दिख रहे हैं बात बात करें सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की तो अंतिम द फाइनल ट्रूथ के साथ ही उनके खाते में किक टू और टाइगर थ्री भी शामिल है वहीं सलमान भाईजान में भी नजर आएंगे जिसका पहले नाम कभी ईद कभी दिवाली था इसके साथ ही साथ सलमान खान इन दिनों बिग बॉस पंद्रह को भी होस्ट कर रहे हैं बड़े अरसे बाद बॉलीवुड में चहल पहल नजर आई है वो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़े अरसे बाद सिनेमाघरों में फिल्म लगी है वो फिल्म है सूर्यवंशी सूर्यवंशी पहले पहले मार्च 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया इसके बाद कई बार फिल्म की रिलीज डेट आई लेकिन हर बार महामारी की वजह से इसे आगे बढ़ाना पड़ा बड़े बजट की इस फिल्म को रोहित शेट्टी सिनेमाघरों में ही रिलीज़ करना चाहते थे आखिरकार 19 उन, महीने के के लंबे इंतजार बाद जब सूर्यवंशी बॉक्स पर आई तो उनका यह इंतजार भी सफल होते दिख रहा है फिल्म ने ओपनिंग डे पर धुहेदार कलेक्शन किया साथ ही वीकेंड पर भी इसने अपनी रफ्तार बनाए रखी सूर्यवंशी के पहले दिन का कलेक्शन छब्बीस करोड़ उनतीस लाख रहा शनिवार को फिल्म ने तेईस करोड़ पचास तेईस तेईस करोड़ पचासी लाख रुपए जुटाए बॉक्स ऑफिस इंडिया माफ़ कीजिएगा शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को रविवार की छुट्टियों का फायदा मिला और इसने 27 से 28 करोड़ का कलेक्शन किया इस तरह रविवार के कलेक्शन के आंकड़े पहले दिन से भी ज़्यादा बेहतर रहे पहले फिल्म के तीन दिन में सतर करोड़ कमा लिए हैं फिल्म और सीज में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है ट्रेड एनालिस ने बताया ट्वीट कर बताया कि सूर्यवंशी ने विदेशों में पहले दिन आठ करोड़ दस लाख रुपए कमाए और दूसरे दिन आठ करोड़ अट्ठावन लाख और इस तरह दो दिनों का कलेक्शन सोलह करोड़ अड़सठ अच्छा लाख रुपए रहा मनीषा कोयराला ने कैंसर को मात दी है मनीषा को कैंसर था और वो अमेरिका में इसका इलाज करा रही थी बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोयराला कैंसर सर्वाइवर हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सात नवंबर पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की साथ ही कैंसर से लड़ रहे लोगों को हिम्मत दी है मनीषा ने लिखा कि उन्हें पता है कि यह सफर कठिन होता है आसान आसान बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कैंसर पेशेंट उससे ज्यादा मजबूत होते हैं मनीषा ने फोटो शेयर किए हैं उन जिन में वे हॉस्पिटल बेड पर हैं और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से उनके बाल जा चुके हैं मुझे पता है यह सफर मुश्किल है मनीषा कोयला ने इंस्टाग्राम पर लिखा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर मैं उन सभी को प्यार और सफलता की दुआ देती हूँ जो कैंसर ट्रीटमेंट के कठिन सफर से गुजर रहे हैं मुझे पता है कि यह सफर कठिन है लेकिन आप लोग उस से भी ज्यादा मजबूत हैं जिन लोगों ने इसकी वजह से जान गवाई में उन सभी को आदर देना चाहती हूँ और जिन्होंने इस पर जीत हासिल की उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ हमें इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है जो अभी कहानियां उम्मीदों से भरी हों उन्हें बार बार सुनाया जाना चाहिए अपने और दुनिया के प्रति दयालु बनिए मैं सबकी हेल्थ और अच्छे होने की कामना दुआ करती हूँ शुक्रिया मनीषा कोयराला और ही कैंसर को मात दे चुकी हैं उन्हें 2012 में कैंसर का पता चला था 2015 में वह कैंसर फ्री हो गई थी तीन साल उन्होंने कैंसर से जमकर संघर्ष किया और आखिरकार जीत हासिल की उन्हें स्टेज फोर का कैंसर था मनीषा ने अपना इलाज न्यूयॉर्क में करवाया था 2018 में मनीषा अपनी किताब भी लॉन्च कर चुकी हैं जिसका टाइटल है हील्ड हाउ कैंसर गेव मी आ न्यू लाइफ बॉलीवुड धमाल में फ़िलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए बिस्टार न्यूज़ दीजिए इजाजत नमस्कार